हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर में मजे से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं आप उनको कमेंट्स करके ज़रूर शेयर किया करें। चाहे आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आप लिख के ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता लगे। और फिर चलते हैं अपनी किचन की ओर और आज की भी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे सीजन चेंज हो रहा है, आगे समर्स आ रही है, भिंडी बहुत ही अच्छी आ रही है मार्केट में और आज हम एकदम डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो है लच्छेदार भिंडी और आलू की सब्जी। एकदम डिफरेंट रेसिपी है, आपको इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगेंगे। और ज्यादातर शिकायत रहती है लोगों की भिंडी बनाते टाइम कि भिंडी की लेस बहुत आ जाती है। आप पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, जरा भी आपको भिंडी में लेस नहीं आएगी, खाने में एकदम अच्छी लगेगी आपको। आप इसको जरूर ट्राई करें। चलिए फिर आपको बताते हैं कैसे ये बनती है। सबसे पहले आप देखिए, हमने भिंडी ली है, हाफ के जी क्वांटिटी से हम बना रहे हैं। भिंडी को आप अच्छे से पहले धो लें, 2 से 3 बार आप अच्छे से वॉश कर लें और इसको अच्छे से आपने सुखाना है। पहले गीली भिंडी को आपने नहीं कट करना, इसको हमने अच्छे से सुखा लिया था और ऐसे हमने इसको कट कर लिया। ये कटिंग कैसे करनी है आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो इसका टॉप होता है ये हमने निकाल देना है, ये ऐसे अलग कर देंगे और बैक साइड से भी ऐसे निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, इसको हमने अब लेंथ वाइज कट करना है। पहले इसको हाफ में ऐसे कट करेंगे, ये देखिए, और ऐसे ही इसको रखे हुए एक कट और हमने लगाना है। ये देखिए, ऐसे एक भिंडी के हमने 4 पार्ट्स करने हैं लेंथ वाइज, ऐसे ये कटिंग होनी चाहिए। एक पीस आपको और कट करके दिखा देते हैं। पहले ये इसका आगे का और पीछे का हिस्सा निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, इसको पहले हाफ में कट करते हैं और फिर इसमें एक कट और लगाएंगे ऐसे, इससे 4 पार्ट हो जाएंगे भिंडी के। ये देखिए, ऐसे हमने सारी कट करके तैयार करी हुई है। आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। साथ ही आप यहाँ पे देखिए, हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे, इनको भी हमने ऐसे पहले अच्छे से धो लिया था, फिर छील लिया था और इनको लेंथ वाइज ऐसे कट करना है। जैसे आप फ्रेंच फ्राइज के आलू कट करते हैं बनाने के लिए, वैसे ही आपने कटिंग करनी है। एक जैसी कटिंग होनी चाहिए, कटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सब्जी के लिए। एक जैसे अच्छे लगते हैं और खाने में भी और देखने में भी। और ये आलू को हमने कटिंग करने के बाद पानी में ऐसे डिप करके रखा हुआ है, जिससे ये काले ना पड़े। अगर आप इमीडिएट यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ ही कटिंग करके यूज़ कर लें, अगर आपने थोड़ा पहले कट करके रखने हैं तो आप पानी में डिप करके रखें। चलिए आगे अब बनाते हैं सब्जी। अब आगे आप देखिए, हमने पैन में ऑयल लिया है, 1/2 कप के करीब हमने ऑयल लिया है और इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम पे आपने रखना है। और इसमें भिंडी फ्राई करेंगे हम सबसे पहले, जो हमने कट करी हुई थी, और थोड़ी थोड़ी करके आपने डालनी है। इकट्ठी सारी भिंडी आपने नहीं डालनी, नहीं तो जो भिंडी की लेस है वो आ जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। भिंडी हमें क्रिस्प चाहिए, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। और ऐसे बड़े मुँह वाला पैन ले लें, उसमें ईजिली सारी फ्राई हो जाती है। ये हम डाल देते हैं, इनको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, आपने ये ध्यान देना है। अगर आप फ्लेम कम रखेंगे तो एकदम ये ऑयल पी जाएंगे भिंडी। इनको अच्छा क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं और फिर इनको एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे, जिससे एक्सेस जो ऑयल है वो निकल जाएगा। ऐसे हिला लेते हैं जिससे इवनली सारी हीट आए और अच्छे से सारी फ्राई हो जाएंगी। एकदम ये डिफरेंट रेसिपी है, आप ऐसे ज़रूर ट्राई करें। इस टाइम पर आप देखिए, भिंडी में कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे होनी चाहिए, साइड से थोड़ा करछी को टिका के निकालेंगे ताकि ऑयल निकल जाए, और किचन टॉवल पे ही आपने निकालना है इनको। ये भिंडी हमने निकाल ली है, 3 से 4 मिनट लग जाते हैं ऐसे एक बैच को फ्राई होने में। अब बाकी की भी भिंडी हम ऐसे थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेंगे। ये सारी भिंडी जब फ्राई हो जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्या करना है। ये आप देखिए, हमने सारी भिंडी फ्राई करके तैयार कर ली है और हाई फ्लेम पे फ्राई करने से आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आया, एकदम क्रिस्पी बनी है और ज़रा भी इसमें लेस नहीं है। तो चलिए आगे सब्जी बनाते हैं। फिर
अब आगे सब्जी बनाने के लिए हम वही ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने भिंडी फ्राई करी थी। 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल रखा है, बाकी हमने निकाल लिया है और उसको आप कोई भी और सब्जी में यूज कर सकते हैं। अब आगे सब्जी बनाने के लिए ये ऑयल में हम प्याज डालेंगे, चॉप करे हुए हमने 2 मीडियम साइज के प्याज आपने लेने हैं। मिक्स कर देते हैं इसको और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। 2 मिनट तक ऐसे कुक करना है हमने, कोई हमने ब्राउन नहीं करने प्याज, ऐसे ही 2 मिनट सौते करेंगे इनको। ये जो सब्जी हम बना रहे हैं इसको आप चपाती के साथ खाएं और साथ में कोई भी अपना मनपसंद रायता बना लें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। 2 मिनट तक कुक कर लेते हैं इसको। 2 मिनट करीब हो गए हैं प्याज को कुक होते हुए। इस टाइम पे हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब हमने डालना है और साथ ही इसमें कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस सब्जी में। 1 टीस्पून हमने ये कुटा हुआ लहसुन लिया था। मिक्स कर देते हैं इन दोनों चीज़ों को और 1 मिनट करीब इसको भी भून लेते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या वैसे ही आप डिनर पे ऐसे ही सब्जी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी, एकदम ही डिफरेंट है, आपको इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगेंगे। 1 मिनट करीब हो गया लहसुन और जीरा डाल के भी कुक करते हुए। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, इनको हमने चॉप कर लिया था। मिक्स कर देते हैं इनको और हल्का सा इस टाइम पे नमक ऐड करेंगे जिससे टमाटर जल्दी कुक हो जाएंगे। मिक्स कर देते हैं और इसको तब तक कुक करना है जब तक थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर। इस टाइम पे आप देखिए टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ऑयल भी अलग हो गया है, ये देखिए। अभी हम फ्लेम लो कर देते हैं और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। मिक्स कर देते हैं ये सारी चीज़ें और फ्लेम हमने वापस मीडियम कर दी है। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसमें आलू ऐड करते हैं। और साथ ही इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब हम पानी डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। ये हमने 4 ग्रीन चिली ली थी, स्लिट करी हुई इनको। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो आप ग्रीन चिली स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। आप देख रहे हैं हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला क्योंकि हमने इसको कोई ग्रेवी नहीं बनानी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हम इसको कवर करके कुक करेंगे। फ्लेम हम लो कर देते हैं और इसको कवर करते हैं और इसको हमने 10 मिनट्स ऐसे ही कुक करना है लो फ्लेम पे। फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट्स के बाद। 10 मिनट्स हो गए हैं आलू को स्लो फ्लेम पे कुक होते हुए। चलिए इन्हें खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जो हमने मसाले डाले थे। पानी भी आप देखिए सूख गया काफ़ी। एक बार आलू भी चेक करते हैं पूरी तरह कुक हुए हैं कि नहीं। ये देखिए इजीली एकदम टूट रहे हैं, ये कुक हो गए हैं आलू। अभी हम इसमें भिंडी ऐड कर देते हैं जो हमने फ्राई करी हुई थी। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं। एकदम ध्यान से हमने करना है क्योंकि आलू टूटने नहीं चाहिए। ये अच्छे से भिंडी मिक्स हो गई है। अभी हम इसको वापस से कवर करेंगे और 5 मिनट्स और हमने कुक करना है क्योंकि भिंडी तो पहले ही हमने फ्राई करी हुई है। इसको ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं चाहिए, जस्ट फ्लेवर सारे अच्छे से रच जाने चाहिए आपस में। तो इसको 5 मिनट्स कवर करके कुक करते हैं। ये हम कवर कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट्स के बाद। 5 मिनट्स हो गए हैं भिंडी डाल के भी कुक करते हुए। चलिए इसे खोलते हैं। बस ये सब्जी बनकर इस टाइम एकदम तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की ये सब्जी बनती है। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना।
आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।